कौशल विकास योजना के अंतर्गत गाजीपुर शहर में स्थित स्वामी सहजानंद डिग्री कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन गाजीपुर में हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन के साथ साथ केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा का आगमन और MLC चंचल सिंह के आगमन से शहर में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल रहा। हर जगह के रास्ते बंद कर दिए गए, जहां कई सारे स्कूली वाहन छोटे बच्चों के साथ फंसे रहे। जी हां, साथ ही साथ रोजगार मेले में युवाओं की काफी भीड़ देखने को मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन, केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा के आगमन और साथ ही रोजगार मेले के आयोजन होने के कारण कई जगह पे काफी संख्या में भीड़ देखने को मिली। इस भीड़ में दुर्व्यवस्था भी देखने को मिली। सुबह करीब 11 बजे मुख्यमंत्री का आगमन शहर स्थित RTI मैदान में हुआ। जी हां, इसी RTI मैदान में 29 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है। इसी के तहत मुख्यमंत्री ने इस मैदान का जायजा लिया और निरीक्षण किया। साथ मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा और उन्होंने इस मैदान का निरीक्षण किया और जाना कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था सब ठीक है। RTI मैदान के बाद मुख्यमंत्री ने विकास भवन में कार्यों की समीक्षा की। उसके बाद उनका काफिला सीधा शहर स्थित स्वामी सहजानंद डिग्री कॉलेज की ओर चल दिया, जहां पहुंचकर उन्होंने रोजगार मेले का दीप जलाकर शुभारंभ किया और लोगों को संतावना दी, युवाओं को संतावना दी, बेरोजगारों को संतावना दी कि सरकार में अच्छे से अच्छा रोजगार मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ रोजगार मेले में काफी अफरा तफरी का माहौल रहा, युवाओं में गुस्सा भरा रहा। वह इस रोजगार मेले से बहुत ज्यादा प्रसन्नचित नजर नहीं आए। युवाओं ने बहुत हंगामा किया और कई सारी कुर्सियां भी तोड़ी। रोजगार मेले में हंगामा के साथ युवाओं ने नारेबाजी भी की, मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जी हाँ, उनकी शिकायत थी कि रोजगार मेले में जो वादा किया गया था कि बड़ी से बड़ी कंपनियां आएंगी, वो वादा सरकार ने उनका पूरा नहीं किया, उनके साथ धोखा हुआ है। एक तरफ जहाँ युवा नाराज थे, बेरोजगार नाराज थे, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के समर्थक प्रसन्नचित थे कि उनके बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आकर खड़े हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री का जिंदाबाद नारे के साथ स्वागत किया, अभिनंदन किया। आगे की तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पुलिस की परेशानियां क्या थी, बेरोजगार युवा सड़कों पर किस तरह से भीड़ लगा के खड़े हुए थे और दूसरी तरफ कॉलेज में किस तरह से मुर्दाबाद नारे लगाए जा रहे थे। टीम अपना गाजीपुर की रिपोर्ट।